डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में। आज एक बहुत ही एक्साइटिंग दिन है और आज मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे ड्रोन का पहला फ्लाइट कैसा रहा और इस दौरान हमें क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा, और आखिर में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेरे ड्रोन का पहला क्रैश कैसे हुआ। मेरी तरफ से तमाम नए पायलट्स के लिए पहला लेसन लर्न ये है कि अगर हवा बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ आंधी चल रही है, तो उसमें कोशिश करें कि ड्रोन ना उड़ाएं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है ड्रोन को कंट्रोल करना और उसको मैनेज करना। दूसरा जो अहम लेसन लर्नड है वो ये है बिगिनर्स के लिए कि जब ड्रोन चलाएं तो कोशिश करें कि इतना दूर तक ले जाएं कि वो आपकी नज़रों के सामने रहे और नज़रों से ओझल ना हो, क्योंकि अगर ओझल हो जाता है और आपको उसके कंट्रोल्स का सही तरह से उसका प्रैक्टिस नहीं है तो उसको मैनूवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तमाम बिगिनर्स के लिए जो तीसरा लेसन लर्न है वो ये है कि जब भी आप ड्रोन चलाएं कोशिश करें कि उस जगह पे पानी का तालाब वगैरह या ऐसा दरख्त जो है, बड़े बड़े दरख्त ये ना हो, क्योंकि अगर पानी में गिर जाता है ड्रोन बाय मिस्टेक तो उसको ढूंढना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। Thank you.
व्यूअर्स, यहाँ पे जब मैं फुटेज लेने के बाद ड्रोन को मैंने बैक करने की कोशिश की तो मुझे उसके एलिवेशन का अंदाज़ा नहीं हो सका पूरी तरह से, और जब वो एंड पे आया तो लेक के एज पे जाके वो ग्रास के साथ क्रैश हुआ और उधर ही गिर गया, तो मुझे इंडिकेशन आ गई कि द ड्रोन हैज़ बीन ओवरलोडेड। डियर व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा। तो अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें, और अपने अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।